जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ़ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लिए हैं, तो आइए हम लोग उनके कैबिनेट और किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नीतिगत मुद्दे, वे सभी अन्य विभाग जो मंत्रियों को नहीं बांटे गए वे सभी नरेंद्र मोदी जी के पास आए हैं। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय मिला है। अमित शाह को गृह व सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी को सड़क व परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है, अभी आपका पुराना ही है। जेपी नड्डा जो है इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक को दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास दिया गया है। निर्मला सीतारमण को वित्त एवं कॉरपोरेट मामले, जो पहले भी मिला था। एच जयशंकर जी विदेश मंत्रालय मिला है, पहले भी नहीं मिला था। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास दिया गया है। एच डी कुमार स्वामी को भारी उद्योग एवं इस्पात दिया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिया गया है। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन दिया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा दिया गया है। जुएल उरांव को आदिवासी मामले दिया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा दिया गया है। अश्वनी वैष्णव को रेल सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार, पूर्वोत्तर विकास दिया गया है। भूपेंद्र यादव को वन, पर्यावरण एवं जलवायु दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यावरण एवं संस्कृति दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास दिया गया है। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामले दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस दिया गया है। मनसुख मांडविया को श्रम और रोजगार एवं खेल युवा मामले दिया गया है। इसी प्रकार से जीतन राम मांझी को MSME दिया गया है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी दिया गया है। सरवन सोनोवाल को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग दिया गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान जो पहली बार कैबिनेट में आए हैं, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया है। और CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इस प्रकार जो है मोदी सरकार के 3.0 के जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके विभाग को हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग स्वतंत्र प्रभार को देख लेते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को राव इंद्रजीत को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन व योजना स्वतंत्र एवं संस्कृति दिया गया है। जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान स्वतंत्र, PMO कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय स्वतंत्र, संसदीय कार्य दिया गया है। प्रताप राव यादव को आयुष स्वतंत्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दिया गया है। जयंत चौधरी को जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता स्वतंत्र और शिक्षा दिया गया है। इस प्रकार जो है यह सभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। SC RO 2023 का मेंस पे ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको GS पे ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 2200 रुपये है, इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध का जो ग्रुप हमारा हुआ 1800 रुपये है, इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, हिंदी कमियों को दूर किया जाएगा, निबंध के साप्ताहिक
टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है, इसमें आपको जीएस और वास्तविक हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा 3 नंबर दिया गया, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्यमंत्री में आपके जितिन प्रसाद जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण मंत्री वर्तमान में हैं। श्रीपद नाइक को ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है और जितिन प्रसाद को वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। पंकज चौधरी को वित्त दिया गया है। कृष्णपाल को सहकारिता दिया गया है। रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिया गया है। रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण दिया गया है। नित्यानंद राय को गृह दिया गया है। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक दिया गया है। वी सोमन्ना को जल शक्ति रेल दिया गया है। पी चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास एवं संचार दिया गया है। एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज दिया गया है। शोभा करंद लाजे को एमएसएमई श्रम एवं रोजगार दिया गया है। कीर्ति वर्मन सिंह को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विदेश दिया गया है। बीएल शर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, सामाजिक न्याय अधिकारिता दिया गया है। इसी प्रकार से शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। सुरेश गोपी को पर्यटन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस दिया गया है। एल मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्री का पद दिया गया है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन दिया गया है। बंडी संजय कुमार को गृह मंत्रालय दिया गया है राज्यमंत्री के रूप में। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास दिया गया है। भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण दिया गया है। सतीश दुबे को कोयला खनन दिया गया है। संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ बीए सहित हमारे कई पेड ग्रुप चले हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को खाद्य प्रसंस्करण रेल दिया गया है, रेल मंत्रालय दिया गया है। दुर्गादास उइको को आदिवासी मामले दिया गया है। रक्षा खड़से को युवा मामले एवं खेल दिया गया है। सुकांत मजुमदार को शिक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास दिया गया है। सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास दिया गया है। तोखन साहू को आवास एवं शहरी मामले दिया गया है। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति दिया गया है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग एवं इस्पात दिया गया है और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन कॉरपोरेट मामले दिया गया है और नींबूबेन बम भानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण दिया गया है। और इसी प्रकार से मुरलीधर मोहोल को सहकारिता उड्डयन, नागरिक उड्डयन दिया गया है। जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक मामले, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी दिया गया है और पवित्र मार्गरेटा को विदेश कपड़ा दिया गया है और शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है और सुरेश गोपी को जो है पर्यटन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस दिया गया है। इस प्रकार जो है मोदी सरकार, कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।